पर जब भी मैं शीरोज लेकर आती हूँ ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि कुछ ऐसी कहानियाँ हो जिनसे जब आप मिले तो घर जाकर आप ये जरूर बोले कि आज मैं इंस्पायर्ड होकर आई हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जब हम स्कूल में स्पोर्ट्स खेलना शुरू करते हैं ना, हम सबका सपना कहीं ना कहीं एटलीस्ट उस टाइम पे ये जरूर होता है कि एक बार इंडिया वाली जर्सी पहन लूँ, एक बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर दूँ। और मेरे साथ आज टेंजिन पीमा है, ये एक तिब्बतन है और ये इंडिया के लिए खेलती है और ये इंडिया को किक बॉक्सिंग और मिक्स्ड मार्शल आर्ट में रिप्रेजेंट करती हैं। टेंजिन, पहले तो थैंक यू शीरोज में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत सारा थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक ले आने के लिए और मेरी स्टोरी कवर करने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय द वे, आई आल्सो वांट टू टेल यू, हम ये इंटरव्यू 8 दिन पहले शूट कर रहे हैं एंड देन टेंजिन फ्लाइज टू रशिया। मैं चाहूँगी कि जब मैं ये ब्रॉडकास्ट करूँ तब तक आप सब जानते हो टेंजिन कौन है, बट फॉर नाउ कौन है टेंजिन? मेरा नाम है टेंजिन पेमा और मैं इंडिया में ही पैदा हुई हूँ और इंडिया के लिए खेलती हूँ और आगे भी खेलती रहूँगी, क्योंकि इंडिया वालों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। कहने के लिए तो एक हम रिफ्यूजी है, पर उन्होंने कभी भी हमें रिफ्यूजी का जैसे कि स्टेटस होता है वो उन्होंने कभी नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने हमें हमेशा अपनी तरह ही माना है, अपने घर की फैमिली की तरह ही माना है। इसीलिए आज मैं इस लेवल पे हूँ और खेल भी रही हूँ सपोर्ट की वजह से, इंडिया की सपोर्ट की वजह से। और मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि आई एम ऑल्सो इंडियन। यू आर एन इंडियन, बट टेंजिन, If I ask you, मतलब 2016 is when you started playing na, actively, professionally. हाँ जी। 2016 से पहले की टेंजिन कौन है? 2016 से पहले मैं धर्मशाला में एक न्यूज़पेपर में काम करती थी, पंजाब केसरी न्यूज़पेपर में, क्योंकि मैं फ़ोटो जर्नलिस्ट का काम करती थी, फ़ोटो वगैरह खींच के। अच्छा। फिर जैसे कि लोग हंगर स्ट्राइक करते हैं और जैसे अपने लोगों की प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन करना, उनके लिए कुछ स्टोरी लिखना और उनके लिए राइट्स के लिए थोड़ी बहुत लड़ाई करना और उनको हक दिलाना कि नहीं आप भी कर सकते हो इस चीज़ के लिए, है ना। तो वही सारी चीज़ें मैं न्यूज़ कवरिंग वगैरह करती थी। तो आई विल फर्स्ट आस्क यू थोड़ा सा पीछे जाके, टेंजिन, आपका चाइल्डहुड कैसा था? मेरा चाइल्डहुड इतना स्पेशल नहीं रहा, क्योंकि मेरे बचपन में मेरे माता पिता का देहांत हो गया था, उसके बाद मुझे कोई स्पेशल कोई चीज़ ऐसे नहीं मिली कि जैसे कि सारे लोगों को मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से प्यार मिलते हैं, स्कूल्स मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने के लिए आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते हैं माँ बाप, पर मुझे ये सब नहीं मिला। उसके बावजूद भी मैंने कभी हार नहीं मानी और अपनी एजुकेशन किया मैंने और पढ़ाई की अच्छे से, और फिर मैंने सोचा था कि हाँ मैं एक दिन इंडिया के लिए कुछ करूँगी। इंडिया के लिए सिर्फ नहीं, मैं अपनी तिब्बत के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि रिफ्यूजी है और उनको भी इतना खास राइट्स नहीं मिलते हैं जो आर्मी में जो होते हैं, उनको भी इंडिया के साथ कंपटीशन वगैरह इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल पे खेलने का मौका नहीं मिलता है। तो मैं यही इसी मकसद से आई हूँ कि हमारे लोगों के लिए भी वही राइट्स मिले जो इंडिया की रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे लोग भी रिप्रेजेंट करें इंडिया को, क्योंकि उनका भी हक बनता है कि इंडिया के लिए हम कुछ करें। जितना योर फादर पास अवे व्हेन यू वर 7 इयर्स ओल्ड। हाँ जी, हाँ जी। एंड मम्मी जब आप शायद 3 साल की। 3 साल की थी। ये आप बहुत छोटे थे उस टाइम। हाँ जी, मैं बहुत छोटी थी। उस टाइम पे स्पोर्ट्स वगैरह खेलते थे? नहीं, इतना कुछ वो नहीं था, पर हाँ इतना पता था कि मोहम्मद अली है और वो बॉक्सिंग करते हैं। हाँ। बस इतना पता था कि DD1 में दिखाया जाता था और मैं हॉस्टल से बाहर कभी, क्योंकि मौका नहीं मिलता था टीवी देखने का, ये देखने का, तो फिर एक दिन जैसे DD1 में कोई बॉक्सिंग का कोई मैच वगैरह चल रहा था, उस टाइम पे मुझे पता चला कि हाँ ऐसे गेम भी होता है। उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं ऐसे नकली होते होंगे, तो फिर चोट लगते थे तो बहुत बुरा भी लगता था। फिर उसके बाद में उसी चीज़ से मुझे इंस्पायर मिली कि अगर मैं दुनिया में कुछ करना चाहूँ और अपने देश को अच्छे लेवल तक पहुँचाना चाहूँ तो इसी गेम से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। पर हुआ ये था कि बीच में फिर उस चीज़ को मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, क्योंकि एक लड़की होके फिर लोग बोलते हैं आपके पास तो कोई फैमिली नहीं है, सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, या तो आप पढ़ाई करो या तो शादी करो, ऐसे होते हैं सारी चीज़ें। फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, एजुकेशन कर लेती हूँ, तब तक कुछ पैसे इकट्ठे कर लेती हूँ ताकि मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सकूँ। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत पैसे जमे के लोगों के घर में काम किया मैंने, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे मिले कि उन्होंने कहा कि अपने सपने को जियो तभी कुछ होगा, तो फिर मैंने शुरुआत कर दी। फिर दिल्ली आके फिर मैंने खेलना शुरू किया, पार्ट टाइम जॉब्स के होटल्स में। 2014 में आप दिल्ली आए हो और 2016 में आपने अपनी बॉक्सिंग प्रोफेशनली खेलनी शुरू जी। और 2014 से पहले बॉक्सिंग खेल रहे थे थोड़ा थोड़ा वहाँ पे? खेल तो नहीं रही थी, पर इतना था कि मैं वीडियोस बहुत देखती थी और मुझे लड़ाई करने का बहुत शौक था
जैसे कि कहीं पे भी अगर लड़के कुछ भी बोल रहे हो या लड़की कुछ भी बोल रहे हो, सीधा एकदम से दिमाग हाइपर हो जाते थे उस टाइम पे, तो समझ में नहीं आता था कि हाँ कुछ भी करके लड़ना तो लड़ना ही है, नहीं तो मुझे कोई जानेगा भी नहीं। तो उस टाइम से भी थोड़ी बहुत करते थे, स्कूल्स में भी मारा मारी होते थे, पंच वंच मार के नाक फोड़ देना, ऐसा बहुत सारे किस्से थे। जैसे तैसे करके अपने सपने को पूरा करूँगी, ये सपना मेरे लिए सिर्फ नहीं है, 8.7 मिलियन जो टिबेटन रिफ्यूजी जो आने वाले बच्चे जो है उनके लिए भी है, और हमारी इंडिया के देश के बच्चे भी है, जो अभी से कितने सारे लोग ऐसे हैं कि जो करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, आगे खेलना चाहते हैं कि नहीं मैं अपनी मम्मी पापा का सपना पूरा करूंगी और मम्मी पापा से पहले हमारे देश है। बट हमने एमएमए और किकबॉक्सिंग किया है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि एमएमए मतलब अभी वो है जो, एंड आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, लोगों को ये नहीं पता कि प्रोफेशनली भी एमएमए खेला जा रहा है और एक लड़की खेल रही है इंडिया की तरफ से। एमएमए क्यों? एमएमए एक्चुअली मुझे बॉक्सिंग जब देखती थी ना मैं, बॉक्सिंग अच्छा तो लगता था पर उसमें इतना फील नहीं होता था कि चलो ठीक है आप पंच मार रहे हो, हाँ ठीक है आप खा रहे हो, फिर ऐसा लगता है कि किक भी तो होना चाहिए उसमें, ये वो, फिर दिमाग में बहुत सारे ऐसे मूवीज़ बहुत सारे देखते थे, स्पेशली मैं टॉलीवुड की मूवी बहुत देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद एक्शन बहुत होते हैं टॉलीवुड। हाँ जी, नॉट बॉलीवुड, शी लाइक्स टॉलीवुड। टॉलीवुड मूवी में जो एक्शन जो होता है बहुत सही होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने सोचा कि मैं एमएमए ही करूँगी, जो मर्जी हो जाए, चाहे हाथ टूटे या पैर टूटे, एटलीस्ट किसी जगह पे तो पहुंचूंगी मैं। फिर मैंने स्टार्ट किया एमएमए से, खेलना शुरू कर दिया, ग्रैपलिंग सीखा, ग्रैपलिंग खेला, फिर उसके बाद मिक्स वगैरह सब, लड़कों के साथ लड़ना, लड़कियों के साथ लड़ना, शुरू शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स होते थे, चोट लगते थे, तो हमें लगता था कि नहीं हमें छोड़ देना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, तब लगता था ना जब चोट, तो लगता था कि नहीं हम, मैं नहीं करना चाहती हूँ, छोड़ देती हूँ, कुछ और काम कर देती हूँ। फिर घर पर आती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ मैंने स्टार्ट ही क्यों किया है, अगर आपने स्टार्ट कर लिया है तो आपको ये पूरा करना ही पड़ेगा, तो मेरे दिल से भी यही आवाज़ आते थे, तो मैंने सोचा कि नहीं मैं इसी को करूँगी, फिर इसीलिए इसके बाद मैं कंटिन्यू रही इसी में। सो एमएमए और किकबॉक्सिंग, 2016 नेशनल्स में आपने सिल्वर जीता था, उस टाइम पे फर्स्ट टाइम था, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो मुझे सिल्वर मेडल मिला था उस टाइम पे, पर इतना एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि जो मेरे साथ खेल रही थी वो काफ़ी एक्सपीरियंस थी और एज में भी मुझसे ज़्यादा बड़ी थी और वेट में भी ज़्यादा थी इस टाइम पे। क्या बात है, 2018 जब आप इंटरनेशनल थाईलैंड गए थे आप? हाँ जी, इंटरनेशनल के लिए। और फिर मैं थाईलैंड में गई थी 2017 में, वो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मैच था वो थाई बॉक्सिंग का, तो फिर 56 कंट्री में से मैं थर्ड आई थी, दो फाइट जीतने के बाद। क्या बात है। हाँ जी, फिर उसी से मेरे को और ऐसा लगा कि नहीं मैं और आगे खेल सकती हूँ, तो छोटा सा ही क्यों नहीं, तो शुरुआत तो हुई है, ब्रॉन्ज ही क्यों ना, खाली हाथ तो नहीं आई मैं अपने देश के बाद। तो फिर उसके बाद मैंने 2018 में नेशनल के लिए कंपटीशन था, उसमें फिर मेरे सिल्वर मेडल आए थे, उसके बाद फिर ट्रायल में मैं जीत गई थी इंटरनेशनल के लिए, तो फिर इंटरनेशनल के लिए 2018 में गई थी और उस टाइम पे डबल सिल्वर और एक ब्रॉन्ज लेके आई थी। ब्रॉन्ज जो होता है हमारा डेमोंस्ट्रेशन होता है, उसमें मेरे को ब्रॉन्ज मिला था, और सिर्फ दो सिल्वर इसलिए मिला था कि मुझे किकबॉक्सिंग में तीन तरह के होते हैं, जैसे कि K1 होता है और ग्लोरी किकबॉक्सिंग होता है। ग्लोरी किकबॉक्सिंग जो है वर्ल्ड में बहुत फेमस है क्योंकि वो प्रोफेशनल खेलते हैं, वो ONGC मुझे मंथली स्कॉलरशिप देते हैं और उसी बेस पे मेरे को, जैसे कि मेरी जो खर्चे वगैरह होते हैं वो सारे ईजी हो जाते हैं, फिर और स्टेडियम को मुझे फ़ीस नहीं भरना पड़ता है क्योंकि मैं नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, तो इसी वजह से मुझे वाइट कार्ड भी मिला हुआ है स्टेडियम से, कभी भी मुझे इतना लगा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और रहना वगैरह ये वगैरह, अगर आपके पास हिम्मत है ना पैसे तो अपने आप ही आ जाता है। क्या बात है। और एक्चुअली पता है हमारे जैसे लोग जो कॉर्पोरेट लाइफ में काम करते हैं वो उल्टा चलते हैं, उन्हें लगता है कि जब तक पैसे आ रहे हैं हिम्मत बनी हुई है, बट दैट इज सच एन इंपॉर्टेंट लेसन। टेंशन एक मोमेंट होता है ना जब हम कहते हैं कि आई हैव टू डू दिस, मतलब आई एम श्योर कि जब आप सिक्किम थे अपने वहाँ स्कूल, नो पेरेंट्स, स्ट्रगल्स थे, बट एक वो मोमेंट आता है ना जब आपने बोला नहीं अब करना ही करना है, कोई एक ऐसा दिन याद है जब लगता है कि दैट वाज इट? हाँ, मुझे एक बार लगा था कि जो मैं जो गेम खेलती हूँ वो इंडिया रेकग्नाइज है ही नहीं है, और जो गेम इंडिया रेकग्नाइज है नहीं है वो उसमें सरकार भी सपोर्ट नहीं करता है, और हमें अपने पैसे से जाना पड़ता है ट्रैवल करने के लिए, जैसे कि अगर किकबॉक्सिंग भी खेलने जा रहे हो, आपका सिलेक्शन भी हो गया, फिर भी आपको 60 से 70 हज़ार तक आप खुद अपने जेब से पे करना पड़ता है और हमें स्पॉन्सर ढूंढना पड़ता है। फिर मैंने डिसाइड कर दिया है चाहे कोई मदद करे या ना करे, अगर मेरी
मेहनत सच्चे है ना तो भगवान है मेरे साथ, बस यही सोच के मैं कंटिन्यू करती जाती हूँ। कि अभी किस तरह की दिनचर्या, लाइक कितनी प्रैक्टिस हो रही है दिन में? इस बार इंटरनेशनल के लिए जा रही हूँ 21 को रशिया में जो हो रहा है मॉस्को में, तो फिर इसमें सिलेक्शन हुआ है तो इसके लिए बहुत ट्रेनिंग हार्ड करनी पड़ती है और सुबह 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस होती है, फिर शाम को यहाँ आ जाती हूँ, फिर मन नहीं भरता है, फिर और प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि मैंने एक अपने आप से एक प्रॉमिस किया है कि जब तक जीऊँगी ना शान से जीऊँगी और अपनी देश को भी शान से जीने दूँगी और लोगों को भी बताऊँगी कि आपको गेम करो, चाहे आप स्पोर्ट्स करो या ना करो, जो कुछ भी करो पर अपने देश के लिए सोचो। हम सोच ले वही बहुत बड़ी बात है। यू आर सो इंस्पायरिंग टेंसन। डर किस चीज़ से लगता है आपको आज? मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, बट डर लगता है बस भगवान से और अपने कर्म से डर लगता है, और किसी चीज़ से नहीं लगता। अच्छा, एक जाते जाते एक क्वेश्चन, ये दिल्ली में है हम लोग, यहाँ छेड़छाड़, लोगों का कुछ बोलना, कभी यहाँ पे खुले में पिटाई हुई है, रोड पे की है किसी की, कि मतलब बंदे ने सोचा आज गलत बंदी से भिड़ गया आपने? और दिल्ली में तो नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादातर सारे लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते रहते हैं और इतना मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता और मैंने कभी देखा भी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी ट्रेनिंग की शेड्यूल में बहुत बिजी हो जाती हूँ। और फिर ये एक चीज़ हुआ है मेरे हिमाचल में हुई थी मेरे साथ, जब मैं न्यूज़ में काम करती थी उस टाइम पे मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे, उस टाइम पे कुछ शराबी वहाँ पे मेन रोड पे बैठ के वो ड्रिंक्स कर रहे थे, पूरी ओपन एरिया में पूरा दारू वारू लगा के सब कुछ लगा के, फॉरेनर जा रहे हैं, लड़की जा रहे हैं, कोई भी जा रहे हैं, सबको छेड़ रहे हैं और दारू फेंक रहे हैं उसके ऊपर। तो फोटो तो मैंने ली नहीं थी, मैंने तो बस आर्टिकल सिर्फ लिखा था, फिर मैंने बेच दिया, तो मुझे तो पता भी नहीं था फ़ोटो किसका था किसका नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया कि मुझे वार्निंग दिया कि तुम ऐसी हो, हिंदी में इतनी गालियाँ दी है, वो गाली मैंने कभी बचपन में भी नहीं सुना और ना ही सुनना चाहती हूँ कभी। फिर उन्होंने मुझे बीच रास्ते में आके उन्होंने मुझे धक्का दिया उस टाइम पर। उस टाइम पर मैं मार्शल आर्ट करती नहीं थी पर था क्रेज़ बहुत सारे हैं, तो फिर धक्का दिया, फिर तब मैं कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि मैंने सलवार सूट पहनी हुई थी, तो फिर मेरी इज्जत की भी तो बात होती है, दिमाग भी तो यूज़ करना पड़ता है। तो उस टाइम पे धर्मशाला में पुलिस वाले से लेके सब बहुत जानते हैं और बहुत प्यार देते हैं, और 3 सालों में बहुत नाम कमाया वहीं पे और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो फिर मैंने उनको पकड़ा, मैंने पुलिस उनको बोला कि इनको आप अपने इस चौकी में रखो, मैं आती हूँ। फिर मैं गई और चेंज करके आई, फिर इतनी पिटाई की ना, वो अभी भी याद करते हैं मुझे। जब मैं यहाँ से जाती हूँ ना, वो दूसरे एंगल से देते, 3 लोगों को मैंने मैकलर स्क्वायर में बहुत बुरी तरह से पीटा और पीट पीट के मेरे हाथ सारे सूज गए थे। मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक किताब पढ़ रही हूँ और टेंजिंग मेरी किताब की मैं हीरो वर्ड भी यूज़ करूँगी, मेरी शीरो है, और एक नया चैप्टर देते जा रहे हो यार। हाँ, क्योंकि वो सोचते हैं ना कि लड़की है तो कमज़ोर होगी, क्या होगी, इसको बोल देंगे तुम्हारी शक्ल पे, उन्होंने मुझे बोला भी है तुम्हारी फेस पे ऐसे फेंक दूंगी मैं, है ना। तो मैंने बोला फेंक दो आप, मुझे डर नहीं लगता है ना, आप मेरे ऊपर एसिड फेंकोगे तो इतने सारे लोग जो मुझे प्यार करते हैं और आप अपने बारे में सोच लो आपका क्या असर होगा। इतने इंस्पायरिंग हो टेंजन आप, एंड आई जस्ट होप कि ये वीडियो ये रेडियो पे सुनने के बाद बहुत सारे लोग इंस्पायर हो आपसे। आई रियली वांट पीपल टू नो, एंड मैं चाहती हूँ बहुत सारे लोगों की कवर फोटो और DP जो है ना और कवर फोटो फेसबुक पे वो टेंजन पीमा हो। थैंक यू मुझसे बात करने के लिए। इंस्पायर सिर्फ नहीं और DP सिर्फ लगाना नहीं, बस करना है तो अपने दिल की सुनो और अपने आप को आगे बढ़ाओ, बस यही चाहती हूँ मैं। और जय हिंद। जय हिंद। और मुझे वो लगता है कि कहीं पढ़ा था कि सक्सेस उनको मिलती है और किस्मत, वो कहते हैं ना, उनकी सही होती है जो अपनी किस्मत खुद बनाने राह पे निकलते हैं। बड़ी बड़ी बातें लगती हैं जब पढ़ते हो, फिर जब आप 10 दिन से मिलते हो आप इनके असली मायने जान जाते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू शीरोज़, दैट्स 10 इन पेमा, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर।